नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने दशहरे के मौके पर जगह जगह रावण दहन की तैयारियां देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में रावण दहन किया गया और इसके लिए भव्य समारोह भी रखा गया, जिसमें रामलीला के बाद शाम के समय 35 फुट का रावण जलाया गया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो पहले ये वीडियो देखिए। तो किसी का घमंड नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से ये घमंड हम सबको दबो देता है, हम सबको ले जाता है, हमारे वंश को, हमारे शहर को, हमारे परिवार को खराब करता है। आपको बता दें कि रायसेन मध्य प्रदेश का ऐसा पहला नगर होगा जहां साल में 2 बार रावण के पुतला को जलाने की परंपरा है। दरअसल यहां पर दशहरे के बाद हर साल वार्षिक रामलीला का आयोजन होता है, जिसका समापन 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन कर किया गया। इस दौरान पूरा नगर इस आयोजन में शामिल हुआ। रामलीला मेले के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी शामिल रहे। रायसेन में लगने वाले इस प्रसिद्ध रामलीला मेले में सांप्रदायिक एकता का रूप भी देखने को मिलता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम वर्ग के सभी लोग मेले में आकर इसका आनंद उठाते हैं। रायसेन के प्रसिद्ध रामलीला मेला आसपास के क्षेत्र में मैदानी रामलीला के मंचन के लिए जाना जाता है। इसको लगभग 100 साल से भी अधिक समय हो गया है, इसको 100 साल से भी अधिक समय हो गया। और ये रामलीला मेला जो है हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया था, जो कि पहले मोहल्ले में होता था, लेकिन जब भोपाल के नवाब यहाँ रायसेन आए थे तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कोई समस्या है, तो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ये रामलीला, हमें रामलीला मैदान, रामलीला करने के लिए एक मैदान की आवश्यकता है। तब ये रामलीला मैदान भोपाल नवाब ने दिया था। और इस रामलीला मेला में हमारे पूर्वजों ने और हमारे समाज के लोगों ने ही इस मेले का संचालन किया है, उसमें बढ़चढ़ भर कर भाग लेते हैं और ये प्रतिवर्ष होता है। और रायसेन जिला एकमात्र ऐसी जगह है रायसेन जहाँ पर एक साल में 2 बार रावण का वध किया जाता है, एक समय दशहरे के दिन और एक रामलीला मेले के समय। आपको बता दें कि इस प्रकार का आयोजन प्रदेश भर में केवल रायसेन और विदिशा दो ही जगह होता है। नवाबी शासनकाल से शुरू हुए इस रामलीला मेले को 100 साल हो चुके हैं। इस मैदानी मंचन को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दर्शक रायसेन आते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।